नमस्कार जस्ट्रोमनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ ईशा जस्ट्रोमनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज है 5 मई, वार है शुक्रवार। हम बात करेंगे लाल मिर्च के बारे में, जिसमें अभी बढ़ने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लाल मिर्च की थोक कीमत में हाल ही में आई मंदी के बाद किसानों ने अपनी इस प्रमुख किराना जीन्स की बिकवाली सीमित कर दी है। आवक की तुलना में उठाव सुस्त बना हुआ है, यही वजह है कि आगामी दिनों में लाल मिर्च बढ़ने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अजस्ट्रोमनी गुरु समय समय पर लाल मिर्च की तेजी मंदी के संबंध में नई नई जानकारियां आपको देता रहता है, इससे आपको लाभ भी होता है। इसी तारतम्य में पिछले दिनों कीमतों में आई मंदी के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से देश के प्रमुख लाल मिर्च उत्पादक राज्यों के किसानों ने अपनी इस प्रमुख किराना जीन्स की बिकवाली सीमित कर दी है। गुंटूर मंडी में लाल मिर्च की आवक घटकर फिलहाल करीब 1 लाख बोरियों की होने की जानकारी मिली है। हालांकि इससे पहले आवक बढ़ती हुई करीब करीब 1.5 लाख बोरियों की होने लगी थी। बहरहाल आवक तुलनात्मक रूप से नीची होने के बाद भी उठाव सुस्त बना होने की वजह से लाल मिर्च में किस्म अनुसार 500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी आने की सूचना मिली है। इसी के फलस्वरूप स्थानीय थोक किराना बाजार में भी 334 नंबर लाल मिर्च में हालिया मंदी आई है। यहां पर 334 नंबर लाल मिर्च 2000 रुपये मंदी होकर फिलहाल 24,000 और 24,500 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व बंद स्तर पर रुकी हुई है। दोस्तों, हमारा चैनल पल पल की जानकारी देता रहता है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहरहाल नवीनतम आवक तुलनात्मक रूप से ऊंची होने और स्टॉकिस्टों, दिशावरों और निर्यातकों की लिवाली का समर्थन भी कमजोर बना होने से लाल मिर्च में नवीनतम मंदी आई है। चालू सीजन के दौरान लाल मिर्च की नई फसल का उत्पादन भी अब अच्छा होने का अनुमान व्यक्त किया जाने लगा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी लाल मिर्च की फसल सामान्य की तुलना में करीब 2 हफ्तों की देरी से शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, मानसून सीजन और उसके बाद हुई भारी वर्षा की वजह से बीते सीजन में मध्य प्रदेश में मात्रा के आधार पर लाल मिर्च का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम हुआ था, बल्कि इसकी क्वालिटी प्रभावित हुई थी। बहरहाल पिछले दिनों आई मंदी के बाद किसानों की लाल मिर्च में बिक्री घटने लगी है। इससे पहले भविष्य में ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों ने बीते कुछ समय से अपनी लाल मिर्च फसल की बिक्री सीमित कर दी थी। यही वजह थी कि इस बार नई फसल शुरू होने के बाद भी हाजिर में इस प्रमुख किराना जीन्स की कीमत ऊंची बनी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि सीजन के आरंभ से लेकर हाल ही तक किसानों द्वारा भारी बिकवाली बढ़ाए जाने के बाद भी गुंटूर समेत अन्य बड़ी मंडियों में लाल मिर्च की कीमत मजबूत बनी होने की रिपोर्ट सामने आई है। बहरहाल गुंटूर में 334 नंबर लाल मिर्च हाल ही में 2000 रुपये मंदा होकर फिलहाल 17,000 से लेकर 21,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बनी होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं ब्याडगी लाल मिर्च 22,500 से लेकर 27,500 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर ही बनी होने की जानकारी मिली है। दोस्तों, अजस्ट्रोमनी गुरु ब्यारस कमोडिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देता है। किसी पेड़ जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।